अब मैं ऐसे प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हूं दोस्तों, जो कि मेरे निधि वाले वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था कि 150% ऑफ इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आएगा साल में, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, इतनी मार्जिन होती है। तो वहां पर मेरे पास काफी कॉल आए सब्सक्राइबर्स के, उन्होंने एक ही चीज पूछा कि बॉस, हम लोग ना जिस जगह पे काम करते हैं वहां पे उनके पास मॉर्गेज देने के लिए कुछ होता नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि निधि कंपनी केवल मॉर्गेज में लोन दे सकती है, चाहे वो जमीन के मॉर्गेज में दे, चाहे वो गोल्ड लोन दे दे, इसके अलावा कोई तीसरा मॉड्यूल नहीं होता है। तो यहां मिक्स मत करिएगा, मैंने पहले जो बताया वो माइक्रो फाइनेंस के बारे में है, अब मैं बता रहा हूं निधि कंपनी के बारे में। तो निधि कंपनी वाले ये कह रहे थे कि भाई हम लोन देना चाहते हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं लेना चाहते, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो मैंने सरासर मना किया, बिल्कुल नहीं कर सकते, नियमानुसार नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं। अगर आप करते हो तो फिर आप अपने जिम्मेदार रहोगे, क्योंकि रूल्स में लिखा हुआ है कि आपको 200% सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, वो पैसे आपके नहीं हैं, क्योंकि हम डिपॉजिट जो लेते हैं निधि कंपनी में ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? तो डिपॉजिट निधि कंपनी में लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो क्योंकि आपका पैसा नहीं है तो आप उसको अनसिक्योर्ड में डिस्ट्रीब्यूट मत करिएगा। जरूर सिक्योरिटी रखिएगा, जितने लोग से आपने पैसा लिया है उनके पैसे को सिक्योर करना भी आपका उत्तरदायित्व है। अंत में मैं माइक्रो फाइनेंस और निधि के बीच का कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूं, जो कि याद रखना जरूरी है। सबसे पहला कि माइक्रो फाइनेंस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, निधि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। माइक्रो फाइनेंस के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए रहता है, निधि के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। माइक्रो फाइनेंस में पूंजी का व्यवस्था केवल कैपिटल, शेयर कैपिटल से किया जा सकता है, और इसके अलावा डायरेक्टर अगर कोई लोन प्रोवाइड करे, केवल डायरेक्टर, उसके अलावा कोई नहीं। अगर डायरेक्टर कोई लोन प्रोवाइड करना चाहे तो ही कर सकता है। निधि में अपने पूंजी के 20 गुना तक आप पैसे ले सकते हो, राइट? यहां पे छोटे छोटे अमाउंट दिए जा सकते हैं और उसकी लिमिटेशन है, और यहां पर भी लिमिटेशन है निधि में, जो कि मैंने निधि वाले वीडियो में बताया, आप जरूर देखिएगा। अब मैक्सिमम लोन का लिमिट यहां पर भी है और यहां पर भी है, बट ध्यान रखिएगा निधि मॉर्गेज लेकर ही देती है और सेक्शन 8 मॉर्गेज लेकर नहीं देती, कोई मॉर्गेज ले ही नहीं सकती है। निधि में टाइम लिमिटेशन है कि कितने साल तक के लिए लोन हो सकता है, इसमें भी टाइम लिमिटेशन है। मोर और लेस निधि प्रॉफिट मेकिंग, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। तो ये मैंने जो आपको डिफरेंस बताया, ये हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर जरूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको आज सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बताया। सेक्शन 8 कंपनी के रजिस्ट्रेशन और किसी भी तरीके से ऑपरेटिंग में कोई भी असुविधा होगी, कोई जानकारी आपको चाहिए, निधि कंपनी चला रहे हो और सेक्शन 8 में कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे बताने के बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा, जो नंबर दिया रहता है उस नंबर पर व्हाट्सएप भी है। तो दोस्तों, मैं दीपंकर समद्दार, मेरा मिशन है कि मैं लोगों को ऐसे ऐसे जानकारी दूं जिससे उनका रोजगार बढ़े, जिससे उनकी इनकम बढ़े, जिससे उनको बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहन मिले, और ऐसी कोई जानकारी ना हो कि वो उनके जरूरत की और उनको ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ देने का। नया साल आपके लिए फिर से मंगलमय हो, और आप कैसा वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे जरूर बनवाइए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जनहित में कि आपको अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी के काम आते रहना चाहता हूं।